हाय, क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वैल्यू याद रखने में प्रॉब्लम होता है? आज से नहीं होगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो आपको पहले वैल्यू लिख देना है 0, 30, 45, 60, 90 एंड उस हिसाब से साइन कॉस टेन यहाँ पे नीचे लिख देना है। फिर 0 के नीचे 0 एंड 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4 लिखना है पहले। उसके बाद क्या करना है ना, सबको 4 में डिवाइड कर देना है। दैट मीन्स 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। क्लियर? नेक्स्ट सबका रूट ओवर निकालना है। ठीक है, सबका 0/4 का रूट ओवर, 1/4 का रूट ओवर, 2/4 का रूट ओवर, 3/4 का रूट ओवर, 4/4 का रूट ओवर। फिर वैल्यू लिखना है। 0/4 का रूट ओवर का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 1/4 का 1/2 होगा। 2/4 का 1/√2 होगा। 3/4 का √3/2 होगा। 4/4 का 1 होगा। तो जो भी वैल्यू आया वो साइन का वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू दैट नंबर हो जाएगा, दैट डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे कॉस का क्या करना है, जस्ट रिवर्स करना है। जैसे कि यहाँ पे 0 1/√2 √3/2 1 हुआ था, यहाँ पे बस रिवर्स करना है, यानी इसको रिवर्स कर देना है। 1√3/2 1/√2 1/2 0। ओके, तो 10 का साइन बाई कॉस करना है, यानी कि 0/1 = 0 एंड 1/2/√3/2 = 1/√3 एंड 1/√2/1/√2 सेम नंबर है तो 1, तो √3/2/1/2 = √3 एंड 1/0 = ∞। सो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।